हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज अनुराधा एंड आज के क्लास में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में जानने वाले हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन डिज़ाइनिंग के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बिल्डिंग के लिए जितना इम्पॉर्टेंट उसके रॉ मटेरियल है, उतना ही एक डिज़ाइनिंग के लिए रॉ मटेरियल एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है। एंड एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में हम लोग आगे जाके क्लास में पढ़ने वाले हैं कलर के बारे में, लाइन के बारे में, शेप के बारे में, शेप एंड सिल्वेट के बारे में, फॉर्म के बारे में एंड टेक्सचर के बारे में। तो ये एक डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से है। अदरवाइज एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में और भी चीज़ें होती हैं, बट हम डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में मैं आपको कलर के बारे में बताऊंगी, जितने सारे हमारे कलर्स हैं एंड कलर स्कीम के बारे में, या फिर आप यूँ कह सकते हो कलर थ्योरी के बारे में। तो जो नेचर में कलर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो तीन कलर हैं, रेड, ब्लू, येलो, जिसे हम लोग प्राइमरी कलर से जानते हैं। ये कलर कोई और कलर को मिक्स करने से नहीं बन सकता है, इसीलिए ये तीन कलर ही प्राइमरी कलर कहलाते हैं। एंड इन तीनों कलर को मिक्स एंड मैच करके एक दूसरे में हम लोग दुनिया के सारे कलर्स बना सकते हैं। ये तीन प्राइमरी कलर से कैसे हम लोग सेकेंडरी कलर बनाते हैं एंड कैसे उसको टर्शरी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कलर व्हील बनाते हैं एंड कलर व्हील में देखते हैं कि ये कलर्स कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी कलर कलर व्हील में कहाँ होता है। तो पहले हम एक व्हील तैयार कर लेंगे एंड इसमें टोटल 12 बॉक्स है इक्वली। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल इसमें बनाएंगे एंड इन्हीं ट्रायंगल्स में हमें अपने प्राइमरी कलर्स फिल करने हैं। तो रेड हो गया, ब्लू हो गया एंड येलो हो गया। ये कलर्स क्लॉकवाइज में चलेंगे। जब भी आप कलर व्हील पे कलर इसको देखोगे तो ये क्लॉकवाइज में चलेंगे। देन जो सेकेंडरी कलर बनता है वो दो प्राइमरी कलर को मिक्स करके बनता है। तो हम लोग इक्वल इक्वल जब दो प्राइमरी कलर को मिक्स करेंगे तो ये बनेगा। तो सबसे पहले एक हम लोग वापस से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो कलर है वो कहाँ फिल होने वाला है। तो जो रेड और येलो को मिक्स करके बनेगा वो होगा ऑरेंज, ब्लू एंड ग्रीन को मिक्स करके हम लोग बनाएंगे ग्रीन, एंड रेड और ब्लू को मिक्स करके हम बनाएंगे पर्पल। तो ये हमारे सेकेंडरी कलर्स हो गए जो कि हमने प्राइमरी कलर से बनाया है। जो हमारा टर्शरी कलर होता है उसमें हम लोग एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिक्स करके जो कलर बनाते हैं वो टर्शरी कलर कहलाता है। रेड और ऑरेंज को मिक्स करेंगे जब तो रेडिश ऑरेंज हो जाएगा, इसे रेड ऑरेंज के नाम से जानते हैं। एंड ऑरेंज और येलो को मिक्स करने पर ऑरेंज येलो हमारा कलर बनता है। उसी तरह से रेड और पर्पल को मिक्स करने पर रेड पर्पल बनता है एंड देन ब्लू और पर्पल को मिक्स करने पर ब्लू पर्पल बनता है। और बचा हमारा ग्रीन जो कि येलो से मिक्स होकर के येलो ग्रीन बनता है एंड ब्लू ग्रीन मिक्स होकर के ब्लू ग्रीन बनता है। तो ये हमारा टोटल कलर व्हील रेडी हो गया है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि वार्म कलर कौन सा है और कोल्ड कलर कौन सा है। तो बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना कलर व्हील में कि कौन सा वार्मर साइड है एंड कौन सा कोल्ड साइड है। तो जो भी वैसा कलर जिसको देखने पर थोड़ा सा हमें ऐसे वार्म फील होता है या फिर आंखों को लगता है कि गर्मी सी लग रही है, तो वैसे कलर को वार्म कलर में आइडेंटिफाई करते हैं। एंड कोल्ड कलर जो हमारे आंखों को सूदिंग पहुंचाती है और हम लोग को देख कर कैसे रिलैक्स फील होता है, जैसे कि अगर आप सी ग्रीन वाटर को देख लो ऐसे, या फिर स्काई कलर। तो ये सारे कलर्स हमारे कोल्ड कलर में आते हैं। या फिर बिल्कुल इजी है आपको समझना कि जो आंखों को हमारे थोड़ा सा चुभता है कलर, वो कलर वार्म की तरफ जाएगा एंड जो कलर हमारे आंखों को सूदिंग लगता है, रिलैक्स फील करता है, तो वो कलर कोल्ड की तरफ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कलर व्हील में हम कैसे डिवाइड करते हैं वार्म साइड एंड कोल्ड साइड को। हमें कलर व्हील को बिल्कुल हाफ हाफ में डिवाइड करना है। तो ये हमारे कलर व्हील में वार्म कलर हो गया एंड कोल्ड कलर हो गया। अब जो नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर मीन्स जैसे हम लोग मान लीजिए कि किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, उसके ठीक सामने जाकर के मान लीजिए किसी को बोलना हो कि हाँ आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, या फिर कुछ भी कॉम्प्लीमेंट करना हो, कैसे हम
कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनको उनके ठीक सामने जा करके। एग्जैक्टली सेम वे जो कलर व्हील में आमने सामने होते हैं कलर, वही हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे कलर व्हील में कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारे कलर व्हील में है ग्रीन और रेड बिल्कुल आमने सामने है। जब आप इक्वली देखोगे तो इधर भी 5 है एंड इधर भी 5 है कलर। तो ये जो आमने सामने कलर होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। इसी तरह से सारे आमने सामने ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं। तो जो नेक्स्ट कलर स्कीम है वो है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर में हम ठीक सामने जा करके किसी को कॉम्प्लीमेंट करते थे, तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या करेंगे हम कि हम खुद ना जा करके जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको बोलेंगे कि तुम जाकर कॉम्प्लीमेंट करो। तो हम लोग कलर व्हील में देखते हैं कि किसको हम लोग स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोल सकते हैं। तो जैसे हमारा ये रेड और ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर था, बट ये डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। अगर ग्रीन को है कि कॉम्प्लीमेंट करना है तो वो अपने ये दो कलर से बोलेगा कि जा करके आप कॉम्प्लीमेंट करो। तो अगर रेड का स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री देखा जाए तो ये ग्रीन येलो होगा और ब्लू ग्रीन होगा। तो इस तरह से हम बाकी का भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये हो गया स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब जो नेक्स्ट कलर स्कीम है वो एनालॉगस है। एनालॉगस में क्या होता है कि जो भी कलर एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं पास वाले कलर, तो वो एनालॉगस कलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कलर व्हील में देख सकते हैं, तो आप जब देखोगे तो कलर व्हील में ये जो तीनों कलर है वो बिल्कुल आसपास है एक दूसरे के, एक ही फैमिली के हैं, तो ये तीनों एनालॉगस में आएंगे। जो नेक्स्ट कलर स्कीम है वो है ट्रेड कलर। ट्रेड कलर को कैसे हम लोग कलर व्हील में पहचानेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि ट्रेड कलर क्या होता है जो ट्रायंगल क्रिएट करे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कलर में ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। तो जो भी कलर्स में ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं आप देख सकते हो ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो ये सारे ट्रेड कलर हैं। इसी तरह से टेट्रेडिक कलर होते हैं। ये चारों कलर्स टेट्रेडिक कलर होते हैं जो कि आप यूं समझ लो डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर। एंड इसी तरह से जो कलर्स स्क्वायर पे बनते हैं जिस कलर्स के, वो हमारे स्क्वायर कलर्स हो जाते हैं। तो ये हमारा एक स्कीम है कलर स्कीम, जिसमें हम कलर को मिक्स मैच कर सकते हैं एक से ज्यादा कलर को। तो ये हमारे तीनों कलर्स हो गए। तो जो नेक्स्ट कलर स्कीम है वो है एक्रोमैट कलर। एंड इस कलर में हम लोग कोई भी ह्यू कलर का यूज नहीं करते हैं। ह्यू मतलब वो होता है जिसमें कोई व्हाइट कलर या फिर ब्लैक कलर नहीं मिक्स होते हैं। जो भी कलर है वो उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है, यानी कि जो भी हमारे कलर व्हील में है ये सारे हमारे ह्यू कलर हैं, क्योंकि ये सारे इसके ओरिजिनल फॉर्म है कलर के। ये सारे 12 के 12 हमारे ह्यू कलर है। क्रोमैट कलर हम ब्लैक व्हाइट और ग्रे यूज करते हैं और इनके शेड्स यूज करते हैं जो भी मिक्स करके। तो आप लोग देख सकते हो कैसे ये ब्लैक से व्हाइट की तरफ जा रहा है या फिर व्हाइट से ब्लैक की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा एक्रोमैटिक कलर है, जो कि इसमें कोई ह्यू कलर नहीं यूज हुआ है, सिर्फ हमने ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे यूज किया है। तो ये हमारा व्हाइट से ब्लैक होते हुए एंड ये हमारा ब्लैक से व्हाइट होते हुए। तो ये हो गया एक्रोमैट कलर। जो नेक्स्ट है वो हमारा मोनोक्रोमैटिक कलर है। मोनोक्रोमैटिक कलर में क्या होता है कि जो भी हमारा ह्यू कलर है, जो कि हमारे कलर व्हील में सारे ह्यू कलर हैं, वो कलर के टिंट्स टोन्स एंड शेड होते हैं। तो इसमें हम लोग एक ह्यू कलर को लेते हैं एंड इसी ह्यू को हम टिंट में बदलते हैं एंड शेड में बदलते हैं एंड टोन में बदलते हैं। टिंट में क्या होता है कि हम लोग वाइट को मिक्स करते जाते हैं एंड शेड में क्या होता है कि शेड जैसे कि हम लोग शेडो जब बनता है कोई चीज़ तो कैसे ब्लैक की तरफ जाता है, तो आप उससे याद रख सकते हो कि शेड में हम लोग ब्लैक ऐड करेंगे एंड टोन्स में हम लोग ग्रे ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने रेड में ये जो ओरिजिनल कलर रेड है उसमें हमने वाइट को मिक्स करते हुए इसको टिंट में बदला है, देन ये हमारा शेड हो गया। तो ओरिजिनल फॉर्म ही है रेड का, ह्यू कलर है, और इसमें हमने ब्लैक को ऐड किया है तो ये हमारा शेड हो गया है। एंड टोन्स में हमने ग्रे ऐड किया है तो ये हमारा ह्यू कलर है ओरिजिनल एंड ये हमारा ग्रे की तरफ
जा रहा है क्योंकि हमने इसमें ग्रे ऐड किया है। तो ये हमारे सारे कलर स्कीम है या फिर कलर थ्योरी बोल सकते हैं। तो ये सारे हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने गारमेंट्स में। आज का क्लास थोड़ा सा थ्योरी क्लास था, बट नेक्स्ट क्लास मैं प्रैक्टिकल लेने वाली हूँ और प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊँगी इन्हीं कलर स्कीम्स को यूज़ करके कि कैसे हम लोग गारमेंट को अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं या फिर एक ही गारमेंट को कैसे हम लोग अलग अलग कलर स्कीम से देख सकते हैं। प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और क्लियर होगी आपके माइंड में ये सारे कंसेप्ट। और साथ ही साथ मैं कलर साइकोलॉजी या फिर इमोशंस के बारे में बताऊँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्लैक को जब आप देखते हो तो कैसा फील होता है, बोल्ड, सोफिस्टिकेटेड। कि जैसे मान लीजिए कि कहीं जाना है मीटिंग में या फिर, तो हम लोग ज़्यादातर ब्लैक कलर के ब्लेजर्स या फिर ऐसे चूज करते हैं कलर जो हमें बोल्ड एंड मोर सोफिस्टिकेटेड दिखाता है। एंड साथ ही साथ अगर वाइट कलर को देखा जाए तो वाइट कलर क्या हमें प्रेडिक्ट करता है, सिंप्लिसिटी, प्योरनेस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कलर इमोशंस है या फिर साइकोलॉजी है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं कलर स्कीम को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।